ओ नो, ओ नो, ये देखो क्या हो रहा है। अरे ये तो बहुत सारी हरी मिर्च रखी हुई है इस कटोरी में। और देखो इस काव को देखो, ये तो मिर्ची खाने की कोशिश कर रही है। लगता है ये बहुत भूखी है। नहीं, काव, तुम्हें ये मिर्च नहीं खानी चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा तेज होती है और चटपटी होती है। तुम्हारे पेट में जलन हो जाएगी और तुम्हारे बहुत सारी मिर्ची लगेंगी तुम्हारे मुंह में। तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। चलो हटो यहाँ से, हटो। हमें तो इस काव की हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों। चलो चलो, इस काव को हटाते हैं यहाँ से। हटो, चलो हटो यहाँ से, हटो। ओ जल्दी हटो, हटो यहाँ से। अरे ये मिर्ची नहीं खाते काव, ये तो बहुत तेज मिर्ची होती है। ये तो तोता खाता है। तुम इन मिर्चियों को मत खाओ, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं होती है। चलो हम तुम्हारे चार चारे के पास लेके चलते हैं। देखो देखो यहाँ कितना सारा हरा चारा है। वाह, चलो चलो तुम इधर आओ और ये हरा चारा खाओ। आओ इधर, वाह वेरी नाइस। चलो चलो तुम इधर आ जाओ। वाह वेरी नाइस। अब तुम ये वाला हरा चारा खाना, ये हरा चारा बहुत अच्छा होता है। और तुम पेट भर कर खाना इसे। जितना तुम पेट भर कर खाओगे फिर उतना सारा दूध दोगे तुम, और वो दूध छोटा बेबी पिएगा। अरे ये छोटा बेबी कहाँ गया है? चलो चलो उसे ढूंढ कर लाते हैं। अरे ये छोटा बेबी तो इस घर की छत के ऊपर बैठा हुआ है। अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो काव के पास होना चाहिए। तुम्हारी तो दूध की बोतल भी खाली है। वो काव तुम्हें बहुत सारा दूध देगी इस बोतल में भरने के लिए। चलो चलो उतरो यहाँ से, आओ चलो। वाओ वेरी नाइस, आ जाओ तुम इधर आओ। वाओ आ जाओ और यहाँ खड़े हो जाओ। अब तुम इसके पास खड़े हो जाओ। ये काव बहुत सारा चारा खाएगी और बहुत सारा दूध देगी तुम्हें। फिर वाला दूध तुम अपनी इस बोतल में भर लेना। ये बोतल तो बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारा दूध भरकर फिर तुम पी जाना। फिर तो बहुत मजा आएगा और तुम जल्दी से बड़े हो जाओगे अपने भाई चिंटू और मिंटू की तरह। ये दोनों भाई बहुत अच्छे भाई हैं। और चिंटू मिंटू का छोटा सा भाई है ये सिंटू। सिंटू इस काव का दूध पीकर जल्दी से बड़ा हो जाएगा। और देखते हैं और क्या हो रहा है। अरे ये देखो इधर क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ तो इस खरगोश के ऊपर कितना मोटा गैंडा बैठा हुआ है। हमें तो इस गैंडे को भी जंगल में भगाना पड़ेगा वरना वो इस खरगोश को खा जाएगा। और देखो, अरे इस डक के ऊपर भी देखो कितना बड़ा गैंडा बैठा हुआ है। हमें तो इस गैंडे से इस डक को बचाना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये दोनों गैंडे इन डक को और इस खरगोश को खा जाएंगे। चलो चलो इनकी हेल्प करते हैं और इन्हें जंगल में छोड़कर आना पड़ेगा। और देखते हैं घर की छत पर और कौन कौन आया हुआ है और घर की छत पर क्या हो रहा है। अरे वाह, घर की छत पर तो कितनी प्यारी चॉकलेट रखी हुई है। देखो देखो ये तो डेयरी मिल्क की कितनी बड़ी चॉकलेट है। पर ये चॉकलेट तो ये जानवर खा रहे हैं। ऊंट खा रहा है और ये बकरी खा रही है। और देखो ये तो मुर्गा भी खाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। हमें तो इस चॉकलेट को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये चॉकलेट चिंटू और मिंटू बेटा की है। चलो चलो इनकी हेल्प करते हैं वरना इन दोनों भाइयों के पास तो एक चॉकलेट यहाँ है। और अरे मिंटू बेटा की चॉकलेट तो यहाँ गिर गई है, इन्हें भी उठा कर देंगे। पर ये वाले चॉकलेट तो इनके छोटे वाले भाई की है जो अपनी मम्मी की गोद में बैठा हुआ है। चलो चलो ये वाले चॉकलेट इनके भाई को दे देते हैं। और देखते हैं फिर आगे कहानी में और क्या होगा। अरे हटो जानवर, पीछे हटो, तुम बहुत गंदे जानवर हो। ये चॉकलेट छोड़ो, छोड़ो ये चॉकलेट छोड़ो, बकरी तुम भी छोड़ो, चलो यहाँ से। वाह वेरी नाइस। देखो देखो दोस्तों हमने चॉकलेट को बचा लिया है और यह चॉकलेट इस वाले बेबी को देते हैं क्योंकि ये बेबी तो चिंटू और मिंटू का छोटा वाला भाई है। और ये चॉकलेट खाकर मजे आ जाएंगे इसे और ये बहुत खुश भी होगा। चलो चलो अब देखते हैं आगे कहानी में और क्या होने वाला है।